नाजरी, तो मैं मौका फेस सिक्स के किचन में मौजूद हूँ और शेफ तारिक की हेल्प से हम लोग आज ब्राउनीज बनाने जा रहे हैं। आप जब भी कैफेज में जाते हैं तो आपका डिजर्ट्स खाने का यकीनन दिल करता होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मौका स्पेशल ब्राउनीज की रेसिपी शेयर की जाए ताकि आप उसको अपने घर में ट्राई करें। तो शेफ साहब जो हैं वो अभी इनके पास एग्स मौजूद हैं और ये इनको ब्लेंड कर रहे हैं, राइट? शेफ साहब कितने एग्स यूज़ किए आपने? 8 एग्स हैं। अच्छी तरह फ्लफी करना है। ठीक है, फ्लफी करना है इसको। इसके साथ साथ हमने फाइन शुगर है, तकरीबन 700 ग्राम है हमारे पास। 700 ग्राम ऑफ शुगर, और ये सारी आपने शुगर जो है इसको और ज़्यादा ग्राइंड किया होगा। जी, फाइन शुगर है हमारे पास, कस्टर्ड शुगर वाली। ठीक है, ये सारी ऐड कर देनी है जी अभी? जी। ठीक है, तो ये साथ साथ मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। तो गाइस 700 ग्राम्स ऑफ शुगर विद 8 एग्स, इसको अच्छी तरह से शेफ साहब ब्लेंड कर रहे हैं और मैं अपने कपड़े बचाती हुई पीछे जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा ये ड्रेस ख़राब हो। सिलाई प्रेस की तरफ से बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, इसलिए बचत करना भी ज़रूरी है। और एक छींक मेरे ऊपर पड़ते पड़ते बची है नाजी। इसके बाद हम ब्राउन शुगर, इसके बाद हम लोग ब्राउन शुगर भी ऐड करें। अच्छा, वाइट शुगर हमने 700 ग्राम्स अलग ऐड की है, ब्राउन शुगर कितने ग्राम्स है? 350 ग्राम्स ये ब्राउन शुगर हमने इसमें ऐड कर दी है। ये ब्राउन शुगर का पाउडर है, ये ब्राउन शुगर का पाउडर है, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ अच्छी तरह फ्लैटिंग हो रही है, अच्छी तरह से फ्लैटिंग हो गया इंशाल्लाह, हमारी मेहनत रंग लेके आएगी। नाज़रीन माजरत के साथ आपको ये मशीन की आवाज़ का जो शोर है वो सुनाई दे रहा होगा और डिस्टॉर्शन हो रही होगी, लेकिन ये कि अब ज़रूरी है काम भी, जब आप काम के साथ साथ जब आप बातों के साथ साथ काम करते हैं तो फिर काम की आवाज़ भी आती है और बातें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं, मगर बोलना भी ज़रूरी है। तो शेफ तारिक ने अभी अच्छी चीज़ें एक जितना भी मटीरियल था इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। जी नाज़रीन, तो अब बटर को इन्होंने माइक्रोवेव में हीट कर लिया है। कितने कितने मिनट्स के लिए आपने इसको हीट किया? 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए, इसको प्लीज़ निकालिए बाहर। और बटर हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इसमें ब्राउन शुगर पाउडर, वाइट शुगर और एग्स ऐड किए थे और अब हम इसमें ये बटर ऐड करने जा रहे हैं। इट्स अ फुल बॉल और ये काफ़ी गर्म है, मैं इसको हाथ में लगाना चाह रही हूँ। आप देखिए कि कितना ज़्यादा उन्होंने इसको ब्लेंड किया कि ये थिक हो गया है और अब इसमें बटर ऐड हो रहा है और बटर की खुशबू भी बहुत बहुत अच्छी लग रही है। अभी ग्रेजुअली इसमें बटर ऐड हो रहा है और आप देखिए साथ साथ जो ब्लेंडिंग मशीन है वो चल रही है, राइट? आपने साथ साथ यानी कि एक तरफ मशीन आपकी चल रही है और दूसरी तरफ से आपने इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये हमारे पास 600 मैदा, 600 ग्राम मैदा है और 300 कोको, 300 ग्राम कोका पाउडर, 2 कप्स ऑफ कोका पाउडर और 600 ग्राम मैदा हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी मिक्सिंग हो रही है और गर्मी से हमारा हाल बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खुश इखलाकी के साथ अपनी इफ्तारी तैयार करें जिसके अंदर आज हम बेहतरीन ब्राउनीज रेडी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इफ्तार करते हैं, रोज़ा रखा होता है, आपका शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है, तो मेरे ख्याल से कि इफ्तारी में कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जो आप डिज़र्ट के तौर पर यूज़ कर सकें। ये कोका पाउडर और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो गया और इसका कलर खूबसूरत सा चॉकलेट ब्राउन हो गया है। नाज़रीन, अब बटर, शुगर, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, बटर, एग्स और उसके बाद मैदा और कोका पाउडर जो है वो ऐड हो गया और अब इसको दोबारा से ब्लेंड कर रहे हैं।
नाज़रीन जैसे जैसे इसकी मिक्सिंग हो रही है तो हम इसमें शेफ साहब बताइएगा और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आलमंड, वॉलनट और किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका कलर जो है वो निकल आया है। शेफ साहब की मेहनत रंग ले आई है और अच्छी सी बेहतरीन सी इसकी मिक्सिंग हो गई है। शेफ साहब, आपने इसको ऑलमोस्ट कितनी देर के लिए ब्लेंड किया है? 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट का इसका ब्लेंडिंग टाइम है। आपने इसको अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से बन जाए। इसमें कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी लाइक हार्ड सी, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोका पाउडर हार्ड रह जाता है या शुगर कहीं पर हार्ड हो जाती है तो वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, स्पेशली बेकिंग में। तो आपको इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। बिल्कुल, क्या बात है, ज़बरदस्त। इज जस्ट लाइक कॉफ़ी, ब्यूटीफुल। जैसे शेफ साहब, अगर हमने कॉफ़ी में बनानी हो तो हम लोग कोका पाउडर के साथ कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। क्या बात है, तो 3-in-1 वाली कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं? जी, कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। ये आपने बटर पेपर लगाया था और बटर पेपर के ऊपर ऑयल है? नीचे ऑयल है। नीचे ऑयल है और ऊपर बटर पेपर है। क्या बात है, ज़बरदस्त। Something that is really, really beautiful and anti-depression. इसके आप चॉकलेट घर पे बनाएं। ये मेरे से थोड़ा सा यहाँ पे गिर गया क्योंकि मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसको। वैसे आप ये देखें कि आप बेकिंग कोर्सेज करते हैं, आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और आप वहाँ जाके बेकिंग सीखते हैं, तो बेहतरीन ये है कि आप मौका को, मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि बगैर किसी कोर्स के उन्होंने मुझे बेकिंग भी सिखा दी है और आप लोगों के साथ मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी मौका से सीखें कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर जाके स्पेशली कोई कोर्स करने की। मौका फेज 6 इज टीचिंग यू हाउ टू कुक एवरीथिंग एट होम, स्पेशली द बेकिंग थिंग। ज़बरदस्त, तो ये हमारी एक बेहतरीन किस्म की दो इसकी डिशेस तैयार हो गई हैं जिसमें हमने इसको बैटर बोलते हैं ना कि जो हम प्रिपेयर करते हैं, हमने डाल दिया और अब हम लोग गार्निशिंग के लिए इसमें वॉलनट यूज़ कर रहे हैं। और शेफ साहब ने कुछ देर पहले बताया कि हम इसमें आलमंड भी यूज़ कर सकते हैं, किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट में कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगे आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, मगर मोस्टली मेरे ख्याल से वॉलनट अच्छा लगता है। शेफ साहब ने सारा डाल दिया, हमने वहाँ भी डालना है। प्लेन रखेंगे, ठीक है, उसके लिए हमने अलग रखा हुआ है। गुड, बस लोग वार्निश यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो एक ऑलराइट एक पे हम लोग वॉलनट यूज़ करें, एक हमने वॉलनट के बगैर बनाई है बिकॉज शेफ साहब के बकौल कुछ लोगों को अखरोट से एलर्जी होती है। वैसे अखरोट के बेशुमार फ़ायदे हैं, अखरोट एंटी एजिंग भी होता है, अखरोट आपके लिए इस तरह से भी फ़ायदेमंद है कि ये एक ड्राई फ्रूट है लेकिन ये आपको मोटा नहीं करता। ज़बरदस्त, अब हम इनको ओवन में बेक करेंगे 30-40 मिनट्स के लिए। जी जी नाज़रीन, हमारी ब्रोनी का ये मावा बिल्कुल रेडी है, हम इसको ओवन में करेंगे तकरीबन 30-40 मिनट के लिए, उसके बाद हम आपको इसकी सर्विंग दिखाएंगे। तो हम दोनों जा रहे हैं बेकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, तो हमारी ब्राउनीज तैयार है। आप देख सकते हैं एक हमारी विदाउट वॉलनट है, एक हमारी वॉलनट के साथ है। हमारे पास अब इसके ऊपर जो जो हमने इसको जिस तरह से सर्व करना है, गार्निशिंग करनी है, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आइसक्रीम हमने ले रखी है और आइसक्रीम के साथ हम इसको सर्व करेंगे। इफ्तारी में कुछ ही देर बाकी है तो इसको आपको बिल्कुल फ्रेश सर्व करना पड़ेगा। तो माइक्रोवेव में अभी हमारी एक चॉकलेट गर्म हो रही है जो शेफ साहब ने मुझे बताया अभी अभी कि ये हमारी स्पेशल होममेड लाइक सेल्फ मेड खुद से बनाई हुई चॉकलेट है। लेकिन मैं फिर भी तरीका तो पूछ के रहूँगी, शेफ साहब बताएं क्या राज है इसके पीछे। जिसमें हम मिल्क चॉकलेट ऐड करते हैं, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट और मिल्क बेकरी मसाला बनाते हैं पैन पे हल्की आंच पे। क्या बात है जी, मिल्की चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और फ्रेश जो मिल्क क्रीम होती है उसके साथ इसको कुक किया हुआ है। अब शेफ साहब क्या होने वाला है इसके साथ? हाय हाय, क्या बात है, चॉकलेट स्प्रेड हो गई इसके ऊपर, कमाल है, जबरदस्त। और ये बिल्कुल हॉट चॉकलेट है जी। तो अब इसके ऊपर आइसक्रीम ऐड हो गई, कितनी खुशी हो रही है देख के। शेफ साहब अब क्या करना है इसके ऊपर? जी मेरे ख्याल से ये ऐड करना जी, हमारे पास वनीला आइसक्रीम है, ठीक है, आप कोई भी आइसक्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आइसक्रीम आप ऐड कर सकते हैं लेकिन वनीला आइसक्रीम अच्छी लगती है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये डार्क चॉकलेट है? जी ये डार्क चॉकलेट है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा इसमें मैं करूँगी जी, मैं अपने तरीके से करूँगी क्योंकि बिकॉज माई नेम इज मीरब, तो हम इसको कुछ मीरब के अंदाज में करेंगे। तो ये नाज़रीन हमारी एक
मज़े की इफ्तार के लिए एक आप कह लें कि जैसे कि एक सरप्राइजिंग सी डिश तैयार है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा अगर आप किसी की इफ्तारी करते हैं अपने घर पे बुलाते हैं। आप ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ग्रनोला है, हम ग्रनोला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ हमारे पास ये कोका पाउडर भी पड़ा है थोड़ा सा जी, और इसको भी हम लोग हल्का सा ऊपर ही ऐड कर देंगे। ऐसे नहीं करना, चेफ साहब ने एतराज़ कर दिया। ओह वाओ, अच्छा ये हमारी प्लेट के ऊपर आएगा, क्या बात है, जबरदस्त। प्लेटिंग भी हो रही है, कितनी खूबसूरत सर्विंग है इसकी, जबरदस्त। तो ये मौका स्पेशल ब्राउनीज विद वनीला आइसक्रीम रेडी है, इसको प्लीज ट्राई करें। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है मौसम गर्म होता जा रहा है, तो आइसक्रीम इज़ वन ऑफ द अमेजिंग डिश इन इफ्तार। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए शेफ साहब, और मेरा गर्मी से सब बुरा हाल हो रहा है, लेकिन फिर भी खुशी से आपसे हम खुदाफिज करते हैं, आपको दोबारा मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।